प्रदेश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन मौके पर जहां लोगों ने तीर्थ स्थलों पर आस्था की डुबकी लगाई, वहीं जगह जगह पर खिचड़ी के भंडारे भी आयोजित किए गए। प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जहां लोगों ने विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाकर आस्था की डुबकी लगाई, वहीं धार्मिक संगठनों द्वारा जगह जगह खिचड़ी के भंडारे का भी आयोजन किया गया। शिमला में भी कई जगहों पर खिचड़ी के भंडारे का आयोजन किया गया। शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खिचड़ी के भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सनातन धर्म सभा के प्रधान अजय सूद ने बताया कि मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है और सनातन धर्म सभा पिछले कई वर्षों से मकर संक्रांति के मौके पर यहां खिचड़ी के भंडारे का आयोजन करती है। तो बहुत सालों से इसका आयोजन किया जाता है क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व गिना जाता है, इसलिए इसमें जो है खिचड़ी का ही भंडारा लगता है और हर साल के भांति इस साल मंदिर के प्रांगण में खिचड़ी का भंडारा लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।